ये पूरे फेस में मतलब बाल हो गया है, तो अभी तो उतना टाइम नहीं है कि हम इसको एथी करेंगे, वैक्स कर पाएंगे, तो सोचें कि सबसे सिंपल और एकदम आसान तरीका वो जो मतलब करते हैं, करके देखते हैं। तो आप सब भी बनी रही, वैक्स करने में टाइम भी जाएगा और थोड़ा सा मतलब टेंशन में है, मसाजर है और थोड़ा सा टेंशन में है, इसलिए मन नहीं कर रहा है कि कुछ करे। तो आईज में बाल ज़्यादा है, मतलब फेस में बहुत ज़्यादा बाल हो गया है, इसको आसानी से हटा ले रहे हैं, तो देखते हैं पहले मसाज कर ले। हल्का हल्का इसको मसाज करके उसके बाद बाल इसका हटाएंगे कल, क्योंकि कल पूजा है, सोमवार का व्रत भी है, तो थोड़ा सा अजीब दिख रहा था फेस, तो सोचे कहीं इससे थोड़ा सा शाइन आ जाए फेस में, तो वही करेंगे। तो अब क्या यूज करेंगे, सबसे आसान तरीका ब्लेड, जैसे सारा लोग दाढ़ी बनाता हो वैसे ही। ये देखिए लोग, वाओ ये देखिए लो कितना गंदा निकला, आप देखिए लो कितना ग्लोइंग ग्लोइंग फेस दिख रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लेड लगाई है तो इसके मतलब फेस का बाल तो बहुत ज़्यादा मतलब मोटा मोटा आएगा, लेकिन नहीं है, मसाज करके आप रेजर कीजिए ना, तो उससे नहीं आता है बाल, सॉफ्ट मतलब जैसे आता है वैसे ही आएगा, रेगुलर जैसे आता है वैसे ही, चाहे आप धागा से निकालिए या फिर वैक्स कीजिए या फिर इसको। तो सबसे आसान यही था, और वैसे भी मेरा मन भी नहीं था, तो सोचे कि चलो शॉर्टकट में यही कर लेते, उससे थोड़ा सा फेस तो कुछ अलग दिख रहा है ना। ये मेरा इतना बड़ा बड़ा पिंपल हो गया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसी वजह से पेट उट साफ नहीं हो रहा है, मतलब पेट नहीं, मतलब जो होता है मंथ वाला प्रॉब्लम होता है वही नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पूरा फेस में यहाँ सारा बहुत ज़्यादा ज़्यादा दाना निकल गया है। तो खैर ये सबको इग्नोर कीजिए, कैसा लगा मेरा आइडिया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बतलाइए लोग, ठीक है। बरसात है, बिन बादल का बरसात है, ये देखो लोग चारों तरफ धूप है धूप, आई बारिश। बहुत खूबसूरत मौसम है, एकदम सुहाना सुहाना, आइए ऐसे ही लगातार बना रहे। तो ना ये
अभी बारिश में केना है इतना पानी ना ना Thank you.